हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नीटिंग ट्यूटर आज मैं आपके लिए फिर से एक डबल कलर का एंकल लेंथ सॉक्स लेकर आई हूँ ये देखिए बहुत ही बढ़िया डिजाइन का है इस तरह से ये एक लेस जैसी बन के आएगी इसमें किसी भी नंबर के लिए आप इसको बना सकते हैं मैंने ये पाँच नंबर के लिए इसमें बनाया है फिफ्टी वन स्टिचेस से मैंने इसको शुरू किया है ये इस तरह से सात लाइन ये वाइट कलर की बनाई है यानी दो दो सिलाई की लाइन है बीच में हर जगह हमने इसमें ये फंदे बढ़ाए हैं अगर आप मैंने ये पाँच नंबर के लिए बनाया है अगर आप छः नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो बस तीन चार फंदे आप इसमें बॉर्डर में बढ़ा देंगे और बाकी सब ऐसे ही बुनेंगे तो ये छः नंबर को भी आ जाएगा सात नंबर के लिए बनाना है तो आप ये वाइट वाली सात लाइन मैंने बनाई है तो आप इसमें आठ लाइन बना सकते हैं अंगूठे वाली सॉक्स है ये आप चाहें तो इसे बिना अंगूठे के भी बना सकते हैं या अंगूठे में भी बना सकते हैं तो चलिए इसको शुरू करते हैं बॉर्डर मैंने यहाँ एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा लिया है निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस तरह से इसकी फिटिंग अच्छी आती है जिनको यहाँ से एकदम फिटिंग वाला चाहिए तो वो इसी तरह से बुने या तो एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनेंगे या तो दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे बुनेंगे तो इसकी फिटिंग अच्छी आएगी और अगर आपको लूज़ चाहिए यहाँ से तो आप इसको उल्टा उल्टा भी बुन सकते हैं इस तरह से मैंने इसका ये बॉर्डर बनाया है फिफ्टी वन स्टिचेज मैंने इसमें लिए हैं फाइव नंबर के लिए सिक्स नंबर के लिए आप बना रहे हैं तो फिफ्टी फोर लेंगे सेवन नंबर के लिए बना रहे हैं तो फिफ्टी फाइव लेंगे सॉरी और अगर सेवन नंबर के लिए बना रहे हैं तो फिफ्टी फाइव में आप एक लाइन ये भी बढ़ा देंगे तो ये सात से आठ नंबर को आ जाएगा यानी यहां फिफ्टी फाइव लेंगे यहां ये लाइन आठ हो जाएंगी तो ये सात से आठ नंबर को आराम से आ जाएगा उससे बड़ा बनाना है तो इसी तरह से आप एक्स्ट्रा बना सकते हैं इस तरह से हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए ये हमारी सिलाई ग्यारह सिलाई हमने ये बनाई है आप चाहें तो इसको आठ सिलाई का दस सिलाई का बॉर्डर बना सकते हैं ये देखिए डेढ़ इंच मैंने ये बॉर्डर बनाया है आप एक इंच सवा इंच दो इंच जितना भी आप ये रखना चाहें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं उसके बाद हमें इसमें दो सिलाई सीधी उल्टी बुनाई में बुनते हुए बुननी है एक सीधी सिलाई बुनानी है और एक उल्टी सलाई बनानी है। उसके बाद हम इसमें वाइट कलर लगाएंगे से सीधा बुनेंगे इसको ये सीधी सिलाई लेके जाएंगे और दूसरी उल्टी सलाई लेकर आएंगे ये देखिए दो सलाइए हमने इसमें सादी बना ली है एक सीधी एक उल्टी अब हम इसमें यहां व्हाइट कलर लगाएंगे कि व्हाइट कलर में हम चौबीस फंदे बुनेंगे सिर्फ बीच के तीन फंदों में हमें ये डिजाइन बनाना है बाकी तो आप देख ही रहे हैं सारे प्लेन फंदे सादे बनेंगे ये सीधी तरफ से सीधे बुने जाएंगे उल्टी तरफ से उल्टे बुने जाएंगे सिर्फ मिडिल में हमें इसमें ये डिजाइन बनाना है और फंदे भी बढ़ाने हैं पहले हम इसके चौबीस फंदे बुन लेंगे चौबीस इधर बुने जाएंगे चौबीस इधर बुने जाएंगे और बीच में हमारे ये बच जाएंगे तीन फंदे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये हो गए हमारे चौबीस फंदे अब हमें ये फंदे बढ़ाने हैं तो देखिए एक फंदा हम बिना बुना ले लेंगे ये पच्चीस फंदे हो गए आप पच्चीस इधर होंगे पच्चीस इधर होंगे बीच में एक फंदा क्योंकि ये फिफ्टी वन है आप जब भी इसमें फंदे डालें आप इसमें ऑड नंबर में फंदे डालेंगे ताकि बीच में एक फंदा बचे और अगर आपके इवन नंबर में फंदे हैं और बीच में एक फंदा नहीं बच रहा है दोनों साइड बराबर बराबर हो गए तो बीच में यहाँ पर दो फंदे का एक फंदा कर दें ये देखिए ये फंदा हमें थोड़ा लूज लेना है इस तरह से ये ये वाला फंदा सिलाई में से नहीं निकालना है एक बार बुना फिर सलाई के ऊपर से इस तरह से लेंगे दूसरी बार बुनेंगे ढीला ही रखेंगे इन फंदों को तीन फंदे हो गए ये अब सिलाई के ऊपर से लेंगे ये चार फंदे ये बुन लिया तो पांच फंदे फिर सिलाई के ऊपर से लेंगे छह फंदे और ये सात फंदे सात फंदे हो गए ये एक फंदे के सात फंदे बना लिए यानी कि यहाँ छह फंदे हमारे बढ़ गए ये फंदा फिर से बिना बुना ले लिया अब बाकी के फंदे हम ये सीधे बुन लेंगे देखिए इसको एंड तक बुनेंगे उल्टी सलाई हम यहाँ तक लेकर आएंगे पहले फिर मैं यहां दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है ये देखिए यहाँ सीधी सलाई करने के बाद अब हम ये उल्टी तरफ आ गए उल्टी सलाई में हमने ये फंदे उल्टे बुन लिए यहाँ तक और जो हमारे ये बीच के फंदे हैं यानी कि जो हमने बिना बुना फंदा लिया था सीधी सिलाई में उसको हम इस बार भी बिना बुना ही ले लेंगे उसके बाद धागा पीछे लेंगे ऐसे एक दो तीन चार पांच छः सात ये सात फंदे जो हमने एक फंदे के सात फंदे बनाए थे उल्टी तरफ से बुन रहे हैं हम लेकिन हमें इन्हें सीधा बुनना है उसके बाद आगे ले लेंगे और ये वाला फंदा बिना बुना लेंगे और बाकी फंदे सारे उल्टे बुन देंगे इनको उल्टे बुनने के बाद अब ये हमारी व्हाइट कलर से दो सिलाई हो गई इसके बाद हम शुरू करेंगे ब्लू कलर से इसका और ये दो सिलाई हमें ये वाले कलर की जो अब व्हाइट के बाद दो सिलाई करेंगे इसमें हमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है बढ़ाना नहीं है कोई फंदा बिना बुना नहीं लेना है पूरी सिलाई दो सिलाइया हमें एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई इस कलर से जितनी बार भी हम बुनेंगे तो ये एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई बुननी है कोई फंदा घटाए बढ़ाए बिना देखिए अब इससे हम बुनना शुरू करेंगे ये वाले कलर से जो फंदे हम बुन रहे हैं साइडों में सादे वो तो सादे ही रहेंगे सिर्फ बीच के फंदों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बाकी साइडों के फंदे तो सादे ही हैं इसमें और इसीलिए ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा सॉक्स और इसकी फिटिंग भी यहां से एकदम बढ़िया फिटिंग आएगी एकदम यहां से लूज नहीं होगा जो हम यहाँ जाली डाल के बनाते हैं उसमें हल्का सा यहाँ से लूज रहता है लेकिन ये लूज भी नहीं रहेगा ये देखिए ये चौबीस फंदे तो हमने ऐसे ही बुन लिए अब आ गए हम बीच में तो यहां पर यह फंदा हमने बिना बुना लिया था अब हम इसको भी बुन देंगे जो सात फंदे ये बुने थे इनको भी बुन देंगे पूरे फंदे हमें सीधे ही बुनने हैं ये देखिए ये सारे फंदे हमें ऐसे बुन लेने हैं सिलाई कंप्लीट करेंगे और उल्टी सिलाई भी पूरी उल्टी बुन लेंगे ये देखिए दो सलाई हमने ये कंप्लीट कर ली है बिल्कुल सादी बनाई है ये अब हमें फिर वाइट पे बना व्हाइट से बनाना है और वाइट पे हम फिर वही रिपीट करेंगे जो बीच के तीन फंदों पे हमने डिजाइन बनाया था और दोनों साइड के फंदे हम सादे बनाएंगे बस यही हमें हर बार रिपीट करना है ये वाइट लाइन हमें एक दो तीन चार पाँच छः सात बार बनानी है एक बार मैं बना के दिखा चुकी हूँ दूसरी बार मैं फिर से बताना बनाना बता रही हूँ और यही हमें बार बार रिपीट करना है तो आप इसको ध्यान से देख लें कि हमें क्या करना है देखिए ये हमारे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चौबीस फंदे बुने थे हमने पहली बार में ये चौबीस बुन लिए अब हमारे बचते हैं ये नौ फंदे बीच में सात फंदे जो हमने एक फंदे के सात फंदे बनाए थे और दो हमने जो बिना बुने लिए थे अब इन नौ में से हमें तीन फंदों में डिज़ाइन बनाना है तो हम तीन फंदे इसमें और बुन लेंगे यानी कि अब हमें ये सत्ताईस फंदे बुनने हैं पहली बार में हमने यहाँ चौबीस फंदे बुने अब की बार हम यहाँ सत्ताईस फंदे बुन रहे हैं उसके बाद हम तीस फंदे बुनेंगे उसके बाद हम 33 फंदे बुनेंगे इस तरह से हर बार तीन फंदे इधर तीन फंदे इधर बढ़ते जाएंगे तो अब हमने ये सत्ताईस फंदे ट्वेंटी सेवन स्टिचेज ये मैंने बुन लिए एक फंदा बिना बुना लिया और इस एक फंदे के सात फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच हो गए फिर से सिलाई पे छः और ये हो गए सात ये सात फंदे हो गए फिर ये वाला फंदा बिना बुना ले लिया और बाकी के फंदे हम ये सीधे बुन देंगे सीधे बुनने के बाद ये ही फंदे हम उल्टे लाएंगे और इनको फिर हम सीधा बुनेंगे देखिए ये वाली सिलाई हमने उल्टी बना ली है और यहाँ तक हम इसको लेके आएंगे ये वाला फंदा बिना बुना लेंगे और जो सात फंदे हैं उल्टी तरफ से हमें इन्हें सीधा बुनना है एक दो तीन इनको हमें गिन के बुनना है कई बार हमारे ये जो एक जगह मिले हुए होते हैं और दो साथ में बुने जा सकते हैं तो हमारी कैलकुलेशन इसमें खराब हो जाएगी डिजाइन ठीक नहीं आएगा तो इन्हें हमें गिन के बुनना है हमारे ये सात फंदे होते हैं जो एक फंदे के सात फंदे बनाए हमने ये हमें उल्टी तरफ से सीधे बुनने हैं तभी ये जो एक किनारी जैसी आती है बनके ये आएगी धागा आगे लेंगे जो फंदा बिना बुना लिया वो बिना बुना लेंगे इसी तरह से हम ये सात बार रिपीट करेंगे दूसरी बार मैंने ये कर दिया है देखिए इस तरह से हमारे ये एक डिजाइन ये आ गया दूसरा ये आ जाएगा अब ये दो सिलाई कंप्लीट हो गई ये पूरी सिलाई करने के बाद हम ये वाले कलर से दो सिलाई बिल्कुल सादी बनाएंगे और फिर यही डिजाइन बनाएंगे कि तीस फंदे हम व्हाइट बुनेंगे एक फंदा बिना बुना लेंगे फिर एक फंदे का साथ फंदा करेंगे तो हमें बार बार बस मिडिल वाला जो एक फंदा है उसके इधर उधर के ये बिना बुने लेने हैं और बीच का जो एक फंदा होगा उसके एक फंदे के साथ फंदे बनाने हैं और ये चीज हमें सात बार रिपीट करनी है पाँच से छ नंबर के लिए ये देखिए इसमें हमने अब ये बना ली है इसमें सात लाइन एक दो तीन चार पांच छ सात सात लाइन कंप्लीट हो गई है अब हमारी अब हमें इसमें चार सलाई इस कलर की बनानी है ये वाली यानी कि दो लाइन ये उल्टी उल्टी की बनाएंगे हम चार सिलाई तो हमारी यहाँ दो लाइन बन जाएंगी तो अब हमें इस तरह से उल्टा उल्टा बुनना है दोनों साइड से चार सलाई कंप्लीट होने तक देखिए इस तरह से हम सलाई कंप्लीट करेंगे फिर उल्टी सलाई पूरी उल्टी बुनेंगे फिर सीधी तरफ से भी उल्टी बुनेंगे और उल्टी तरफ से फिर उल्टी बुनेंगे इस तरह से हमें ये चार सलाई कंप्लीट करनी है ये देखिए ये हमने अब चार सिलाई कंप्लीट कर ली है इसकी इस तरह से बुनते हुए कोई फंदा घटाया बढ़ाया नहीं है हमने सारे फंदे इसी तरह से बुने हैं अब हमारे ये टोटल जो फंदे हैं नाइन्टी थ्री स्टिचेज हैं इन्हें इन्हें हमें अब आधा आधा करके बुनना है यानी कि हम फोर्टी सेवन इधर बुनेंगे और फोर्टी सिक्स इधर रह जाएंगे जब हम इधर वाला पोर्शन बुनेंगे तो एक फंदा हम बढ़ा लेंगे ताकि ये हमारे इवन नंबर में हो जाए और दोनों साइड में एक बराबर फंदा रहे तो आप चाहें तो बीच में एक फंदा घटा भी सकते हैं और एक फंदा बढ़ा भी सकते हैं बस तो हमें ये बराबर करने हैं तो चाहें तो आप ये फंदा बढ़ा लें चाहे तो घटा दें अब हमें आधे फंदे बुनने हैं इसमें से और बारह सिलाई हमें इसकी कंप्लीट करनी है आधे फंदे बुनते हुए ये हमारी पहली सिलाई जा रही है अब हम इनको गिन लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस छियालीस फंदे हो गए और एक हो गया ये सैंतालीस फंदे फोर्टी सेवन स्टिचेस हो गए इधर इधर हम देखते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस इधर फोर्टी सेवन है इधर फोर्टी सिक्स है लेकिन जब हम ये वाला बुनेंगे तो हम एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे इस तरीके से और इसको भी फोर्टी सेवन ही कर लेंगे अब इन्हें हमें यहीं से वापस करना है अब हमें ये वाले फंदे नहीं बुनने हैं सिर्फ यही फंदे हम बुनेंगे बारह सिलाई हम कंप्लीट करेंगे इसकी ये दूसरी सिलाई हमारी चल रही है ये देखिए अब हमने इसकी तीसरी सिलाई शुरू कर दी है ये और ये फंदे हमारे देखिए यहां इधर वाले फंदे हम नहीं बुन रहे हैं। इधर हमारी चार लाइन हो गई इधर अभी हमारी दो ही लाइन है और इसको हम यहीं से वापस कर लेंगे और ये बुनेंगे हम बारह लाइन का सॉरी आठ लाइन कंप्लीट होने तक यानी कि दो लाइन हमारी ये रहेंगी और छह लाइन हमें अभी और ऊपर बुननी है यानी कि बारह सिलाई हमें ऊपर बुननी है जिसमें से अभी हम तीन सिलाई बुन चुके हैं और ये चौथी सिलाई जा रही है इसके बाद हमें आठ सिलाई और कंप्लीट करनी है मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टी बुनने के बाद उसके बाद सीधी तरफ से भी उल्टी बुनूंगी फिर मैं यहाँ धागा लगाना बता देती हूँ कि आप इधर से कैसे बुनेंगे ये देखिए ये बी ए वाली सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली अब हमारी यहाँ दो दो चार पांच लाइन बन गई है आठ लाइन पूरी होने तक करना है अभी हमें तीन लाइन इसमें और बनानी है और इसके बाद जब हमारी ये पूरी हो जाएंगी लाइंस तो अब हम इन फंदों को कर देंगे बंद और उसके बाद बुनेंगे हम इधर वाले फंदे तो मैं इधर वाले फंदे शुरू करना बता देती हूँ कि हमें किस तरह से इसको बुनना है तो देखिए इधर हमारा एक फंदा कम है तो हम ये वाला फंदा उठा लेंगे यहाँ से कि जो हमारे ये वाले फंदे जा रहे हैं यहाँ से हम ये फंदा उठा लेंगे ये वाला भी ले सकते हैं या इसके ऊपर वाला ये भी ले सकते हैं इस तरह से ये उठा लेंगे और यहाँ से हम इसको बुनना शुरू कर देंगे दूसरा धागा लगाने के बाद ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं ताकि फिर मैं दोनों बुन के तब आपको दिखाऊंगी बाद में कि एंड में हमें इसकी सिलाई किस तरह से करनी है और बंद किस तरह से करने हैं अभी हमें दोनों साइड आठ आठ लाइन इसी तरह से बनानी है ये मैंने धागा लगाना बता दिया कि आप इसको शुरू किस तरह से करेंगे और हमें दोनों साइड आठ आठ लाइन बना के उसके बाद ये फंदे बंद करने हैं तो पहले हम इसकी दोनों साइड आठ आठ लाइन बना लेते हैं इस तरह से हम इसको बुनेंगे ये देखिए यहाँ तीसरी लाइन शुरू हो गई यहाँ हमारी पांच लाइन हो चुकी है आठ आठ लाइन हमें दोनों साइड बना लेनी है ये देखिए ये हमने अब इसमें ये वाली अगर लाइन हटा दें तो हमने इसमें छह लाइन बनाई है यानी कि बारह सिलाई और इसको मिलाएंगे तो ये हमारी आठ लाइन हो जाएंगी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ लाइन कंप्लीट हो गई है इधर की हमने आठ लाइन कंप्लीट करके ये फंदे बंद कर दिए अब हम इधर के फंदे भी बंद कर देंगे फंदे आपको टाइट बंद नहीं करने हैं अगर हम इनको टाइट कर देंगे तो हमारी ये साइज खराब हो जाएगा नीचे तले में से यहां से ये वाली जगह जो है बहुत खींचने लग जाएगी तो ये बिल्कुल भी इसका साइज सही नहीं आएगा तो आप इसको ढीला ढीला बंद करें ये देखिए इस तरह से करते हुए हम इसको पूरा यहाँ तक बंद कर देंगे उसके बाद इसकी सिलाई करेंगे इस ये देखिए ये तो इधर से भी हमने यहाँ तक बंद कर लिया है और इधर से भी ये यहाँ तक अलग अलग बुन के हमने इनको बंद कर लिया है अब हम करेंगे इसकी सिलाई सिलाई में हम इसे इस तरह से सिलेंगे ये देखिए ये बॉर्डर को मोड़ के यहां से हम इसको सिलना शुरू करेंगे यहाँ तक हम इसको सिलते हुए लाएंगे जो हमारे ये जो हम फंदा बिना बुना लेते हैं उसकी ये जो चेन जैसी बनती है इसको हम उठाते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे इस तरह से हम इसको सिलते जाएंगे ये देखिए यहां से सिलते हुए हमने इसको यहाँ से ये यह सिलते हुए इतना छोड़ के ये हमने ये सिल लिया है अब हमें इसको यहाँ से सिलना है इस तरीके से इसे हम ऐसे सिलेंगे यहाँ से ये यह वाला पार्ट हल्का सा खींचेंगे खींचते हुए सिलेंगे देखिये इस तरीके से हमें यहां से लेते हुए यहाँ तक इसको सिल देना है बस ध्यान रखना है कि यहाँ कोई भी होल ना छूटे हर फंदे में हमें ये धागा लेते हुए इसकी सिलाई करनी है यहाँ आके हम ये वाले धागे की भी इसमें गांठ लगा देंगे देखिए ये इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा ये देखिए ये इस तरह से पैर पे आके ये ऐसा दिखेगा उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा देखिए इस तरह से ये बन के तैयार हो जाएगा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू